जय हिंद दोस्तों, मैं पृथ्वी डिफेंस एकेडमी से, जैसे कि आप देख रहे हैं पहली फाइल बैठ चुकी है यहाँ पर 1600 मीटर टाइमिंग लगाने के लिए, जो अभी भर्ती देवास में होने वाली है। उसी को ध्यान में रखते हुए अभी हमारे यहाँ पर ये लास्ट टेस्ट रहेगा जिनकी भर्ती आ गई है देवास में। देखिए आप किस तरीके से तैयारी चल रही है, और आप कभी भीड़ में नहीं दौड़े हो या आप कभी भर्ती रैली में नहीं गए हो तो मैं कुछ बातें बताऊँगा, ऐसी गलती आप ना करें। अगर आप कभी भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो आपको कौन कौन सी बात का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपका भी आगे नंबर आ गया तो आप क्या करें, बीच में नंबर आ गया तो क्या करें, और सबसे पीछे नंबर आ गया तो किस तरीके से दौड़े। देखिए, अगर आपका आगे नंबर आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, 200 मीटर का स्प्रिंट लगाकर आगे निकलना है। उसके बाद साइड से, ये वाली साइड से आपको पास पास में दौड़ते चलना है, ठीक है। अगर आपका बीच में आ गया है तो बीच में आ गया तो आप खींचे नहीं, नहीं तो भीड़ का हिस्से बनने से क्या होगा, आपका पैर एक दूसरे से टकराएंगे और आप गिर जाओगे और चोट लग जाएगी। अगर आपका सबसे पीछे साइड से नंबर आया है तो आप इस साइड से कवर करें, जैसे मैं बता रहा हूँ, इस साइड से बाहर के साइड से निकलें और बाहर के साइड से खींचते हुए आप इस वाली पोजीशन पर आ जाएं, साइड वाली पोजीशन पर इस साइड से दौड़ें। और जब आप आगे आ जाते हैं या आप बीच में बैठे रहते हैं तो कभी भी भीड़ का देख कर डरना नहीं आपको कि यार वो वहाँ पहुँच गए। होता क्या है कि जो कभी 1600 मीटर नहीं दौड़े हैं, कभी जिन्होंने भर्ती नहीं देखी है और जो कभी तैयारी नहीं करते हैं, ऐसे लड़के भी वहाँ पर काफ़ी सारे आते हैं जिनको पता ही नहीं कि किस तरीके से दौड़ना है, तो वो क्या करते हैं, पूरा स्प्रिंट मार देते हैं 400 मीटर का, और वो बहुत आगे निकल जाते हैं और आप डिमोटिवेट हो जाते हो, डर लगता है आपको कि यार वो तो वहाँ फाइल निकल गई, आप क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जिस तरीके से आपके होम ग्राउंड पर तैयारी करते हो 1600 मीटर की, आपको उसी तैयारी के साथ में ही वहाँ पर भी दौड़ना है, कुछ चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। डरना नहीं है कि वो वहाँ निकल गया है। ये लोग क्या करते हैं, एक राउंड दौड़ते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं, और आप जो लड़के प्रैक्टिस करते हैं, जो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उन लड़कों की ये लोग क्या जान निकाल देते हैं, ठीक है। तो आपको उन पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना 100% देना है कि यार मुझे मेरा 100% देना है, मुझे किस तरीके से दौड़ना है। और एक बात ध्यान रखना कि जब 1600 मीटर आप दौड़ते हो तो दूसरे राउंड में या तीसरे राउंड में आपके दिमाग में एक शैतान आकर बैठता है और उसी शैतान को आपको मारना रहेगा। एक शैतान आता है दिमाग के अंदर, बोलता है यार मत दौड़, इधर दर्द होगा पेट में, इधर दर्द होगा। जब भी आपके साइड में पेट में दर्द हो तो जिस साइड भी दर्द हो, अंगूठे को अंदर की साइड लेकर मुट्ठी को तेज बांध कर आपको दौड़ते रहना है। और जो शैतान आता है, उस शैतान को अगर आपने 10 सेकंड के अंदर मार दिया कि नहीं यार मैं तो दौड़ूंगा ही, उसके बाद देखना आप 48 नहीं 60 की भर्ती मारोगे और एक्सीलेंट मारोगे। अगर आपका टाइमिंग 6 मिनट या 6:30 मिनट भी आ रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ नहीं करना है आपको, आपके अंदर जो दिमाग में शैतान बैठा हुआ है उसी को मारना रहेगा। देखो अभी यहाँ पर मिथुन सर टाइमिंग ले रहे हैं, थोड़ी देर में यहाँ पर गो होने वाला है, और हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं कौन एक्सीलेंट मारता है और कौन कौन पास होता है, फर्स्ट वाले बंदे का टाइमिंग क्या आता है, हम सारा बताएंगे आपको। देखिए हमारा ग्राउंड किस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पर पूरे सभी जगह पर टीम खड़ी हुई है 1600 मीटर लेने के लिए। आप देख सकते हैं इधर बैक साइड में भी सारे लोग अपनी अपनी पोजिशन पर हैं, और यहाँ पर सिर्फ हमारे पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट ही तैयारी करते हैं, कोई दूसरे नहीं आते यहाँ पर तैयारी करने के लिए। देखिए यहाँ पर बिल्कुल किसी को चोट भी आने के कोई चांसेस नहीं बनता है, क्योंकि ग्राउंड पे हम लोग हमेशा पानी डालते हैं, हफ्ते में एक बार पानी डालता है ग्राउंड पर यहाँ पर, और किसी तरीके पत्थर भी नहीं है ताकि आप गिर जाते हैं तो आपको चोट लग जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर फाइल तैयार हो चुकी है,